हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पायल जाखड़। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, कैन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, मींस हमारे पास क्वाड्रिलेटर ए बी सी है, हमें बताना है कि पैरेललोग्राम क्या होगा। मींस देखिए, हमने कोई भी एक रफ फिगर बनाया, उसमें उसने बोला पहले डी ए बी सी डी, उसने बोला कि इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। सो इसीलिए अगर इनको प्लस करेंगे तो वन एंगल एंड टू एंगल होगा एंड देन अपोजिट साइड भी हो जाएगी। सो अगर हम वन एंगल लेंगे 19 का तो इजीली सेकंड नंबर भी क्या होगा हमारा 19 का, जब ही तो हमारा 180 आएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल इज 90 डिग्री, अगर हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे जब भी हम इसको 180 कर सकते हैं, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमारे अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देन नेक्स्ट क्या हमारा, ए बी डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, उसने बोला ए बी, ए बी हमारा कितना सेंटीमीटर है, दोनों 8 सेंटीमीटर है, एंड डी ए बी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर सॉरी डी सी। चलो हम दोबारा एक कोई डायग्राम बनाते हैं, इसमें फर्स्ट हो गया, देन नेक्स्ट हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए बी सी डी, ओके, उसने बोला ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर है एंड डी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ओके, और बी सी हमारा 4.4 सेंटीमीटर है। अब उसने पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कुछ पूछा नहीं, मैं ये बस उसकी साइड्स से रखे हैं और हमें बताना है, ये इक्वल तो है ही नहीं, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी 4.4 सेंटीमीटर होना चाहिए था ना। तो इसका आंसर आएगा नो, अपोजिट साइज आर नॉट इक्वल, उसमें इक्वल नहीं हो रही। देन उसके बाद एक और एंगल बनाते, देखिए ए बी सी एंड डी। अब देखिए, एंगल ए का एंगल क्या है 17, एंगल सी का क्या है 65। अब हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें पढ़ा है अपोजिट साइज आर इक्वल, इसमें तो अपोजिट इक्वल है नहीं, तो इसका भी क्या आंसर आएगा नो। अगर ये 70-70 होता तो शायद इक्वल भी होता, तो इसमें आता यस, लेकिन यह क्या है 65 और अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, इसमें नहीं है। सो दिस क्वेश्चन नंबर बी थर्ड का ए एंड बी सी पार्ट। थैंक्स।